हेलो एवरीवन, आई एम होस्ट अब्दुल गफ्फार एंड यू आर वाचिंग साइंस बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो गाइस, बेसिकली आज की जो हमारी वीडियो है वो पीएमसी के हिसाब से होगी। पीएमसी से रिलेटेड है कि जो मतलब स्टूडेंट्स हैं उनको डेट का इश्यू आ रहा है, या काफ़ी लोगों को सेलेक्ट करना नहीं आती। कमेंट्स में बोल रहे होते हैं कि हमारा ये इशू आ रहा है, वो इशू आ रहा है, तो उन सब का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपना अकाउंट पीएमसी का लॉगिन करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे अपना पीएमसी का अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ, सिंपली गूगल पे जाएँ, आप क्लिक करें और सबसे जो पहले स्टूडेंट ऑनलाइन आपको यहीं सेलेक्ट करना है। यहाँ पीएमसी लॉगिन भी आप कर सकते हो, लेकिन हमें क्या है स्टूडेंट ऑनलाइन पे क्लिक करके यहाँ पे थोड़ा वेट और फिर आपको अपना अकाउंट डाल लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना अकाउंट डाल देता हूँ, जो पीएमसी पे रजिस्टर्ड है उनका ये अकाउंट बना हुआ होगा जिन्होंने अभी अभी अप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको लॉगिन कर देना है। अब लॉगिन करने के बाद जिनका चालान पेड होगा, शेड्यूल सिर्फ उनका ही सिलेक्ट होगा। अगर जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया तो आज मैं आपको बता दूं कि आज लास्ट डेट है 25, जो कि उन्होंने एक्सटेंड की थी, और शायद ये लेट में आ रही है, मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये लेट में है। चलिए, ये एक अलग वीडियो है, हम बात करेंगे शेड्यूल की। तो यहाँ पर आप क्लिक करें शेड्यूल नाउ, ये आपको ऑप्शन मिलेगा शेड्यूल नाउ। शेड्यूल नाउ पे क्लिक करने के बाद ये पीएमसी आपको ऑटोमेटिकली उस वेबसाइट पे लेके जाएगी जिसका नाम है app.apps.pk। ये एक वेबसाइट है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये भी गलती कुछ काफ़ी स्टूडेंट्स कर देते हैं कि मतलब यहाँ पे कोई नया अकाउंट डाल देते हैं। आपको भाई वही अकाउंट डालना है जो आपका पीएमसी रजिस्टर्ड अकाउंट है। दूसरी बार इसमें आपको अपना रोल नंबर डाल देना है। रोल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड भी आपको वही देना है जो मतलब आप पीएमसी में जो आपने रजिस्टर किया है, वही पासवर्ड आपको यहाँ भी देना है। तो इस पर लॉगिन करना है, मतलब अपने पीएमसी के अकाउंट से, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो तीन डॉट्स हैं, ठीक है, अगर आपने शेड्यूल सेलेक्ट नहीं किया तो आपको बोलेगा, अगर नहीं तो फिर तीन डॉट्स पर क्लिक करने हैं, आप रीशेड्यूल भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मैनेज शेड्यूल का। अगर जिन्होंने नहीं किया तो उनका इंटरफेस कुछ चेंज आएगा कि भाई आप अपना शेड्यूल सेलेक्ट करो। अब मैं जैसे कि मेरा आप देख सकते हैं यहाँ पर सिटी वगैरह सब कुछ ये सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, शेड्यूल पे रीशेड्यूल पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये बेसिकली मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिन्होंने नहीं सिलेक्ट किया। तो आप सिलेक्ट कैसे करते हैं, मेरा तो हुआ हुआ है। सबसे पहले आपने सिटी सिलेक्ट करनी है, सिटी दो दो अलग अलग करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाहौर। ठीक है, अब सेकंड दो अलग अलग करनी है, सेम नहीं करनी। सेम करोगे तो आपको आपका नहीं होगा। दूसरी में हम कर देते हैं कराची। ठीक है, अब यहाँ पर आपको टाइम सेलेक्ट करना है, आप जो भी कर सकते हो। एक मॉर्निंग का ऑप्शन है और एक आफ्टरनून का। अब यहाँ पे मेन बात आती है, यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी एंड थर्ड प्रायोरिटी। अब इस पे क्या करना है आपको, तीन डिफरेंट करनी है। जैसे मैंने अगस्त किया, उसमें 8, और दूसरी में आपको चेंज करनी है, थर्ड में आपको चेंज करनी है। ठीक है, उसमें मैंने किया 9, और इसमें मैं कर रहा हूँ 29 सेप्टेम्बर। ठीक है, अब ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने वहाँ से टाइम सेलेक्ट नहीं किया कि कौन से मतलब मॉर्निंग टाइम पर देनी है या फिर, तो मुझे तो नहीं करना ना, मुझे मेरा तो ऑलरेडी हुआ हुआ है। पर अगर मैं रीशेड्यूल करना चाहूँ तो मैंने अपने मर्ज़ी से कर लिया, अब आपको करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आपको टाइम यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑप्शन शेड्यूल, मतलब आपका हो गया। तो बस इसमें यही है, कुछ कोई नहीं ऐसी बात, पर फिर भी काफ़ी मतलब लोग हैं जो उनको इशू आ रहा है। ठीक है, तो आज आप सिलेक्ट करें, कोशिश करें, बाकी मैंने 3 दिन, 2 या 3 दिन रह रहे हैं, आज 25th of July है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और यार सब्सक्राइब करो, 60% और सब्सक्राइब।